उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज गाजीपुर MPMLA कोर्ट में पेशी के दौरान दोषी करार देने के बाद मुख्तार के चेहरे पर तनाव था, वह परेशान दिख रहा था। वह अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर नीचे की ओर गिर गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे पेशी के बाद उसकी बैरक में शिफ्ट कर दिया। बैरक में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी परेशान रहा और बैरक में टहलता नजर आया। माफिया अब इतना परेशान हो चुका है कि उसकी दिनचर्या तक बदल गई है। कब सोता है, कब जागता है, ये भी निर्धारित नहीं है। जेल प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहता है। गुरुवार 26 अक्टूबर को गाजीपुर के MPMLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी। इस पर कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उसे दोषी करार दिया। कोर्ट ने जैसे ही दोषी करार दिया तो माफिया गिड़गिड़ाते हुए जज साहब बोलता रहा और दोनों हाथों को आंखों में लगाकर सिर नीचे करके गिर गया। पेशी के बाद उसे उसकी बैरक में ले जाया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक बैरक में मुख्तार अंसारी बेचैन रहा। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आज शुक्रवार को फैसला देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने बीमार होने के साथ साथ जेल प्रशासन पर इलाज न कराने का आरोप लगाया था। इसी के साथ फल और कुरकुरे की भी डिमांड की थी, लेकिन बांदा जेल प्रशासन जेल मैनुअल के मुताबिक ही उसे चीजें मुहैया कराता है। मुख्तार की खातिरदारी में जेल स्टाफ सस्पेंड भी हो चुके हैं। जेल में सुरक्षा की बात करें तो जेल प्रशासन के मुताबिक जेल कैंपस में 2 सैकड़ा जवान सुरक्षा में तैनात किए हैं, जिसमें PAC सिविल पुलिस के साथ साथ जेल स्टाफ भी शामिल है। जेल कैंपस में 3 दर्जन से ज्यादा CCTV कैमरे हैं। मुख्तार की सुरक्षा में बॉडी कैम से लैस जवान सुरक्षा तैनात रहते हैं। मेन गेट से लगाकर अंदर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर खास नजर रखी जा रही है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुख्तार की गाजीपुर कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट के आदेश के क्रम में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। मुख्तार के रिएक्शन के सवाल पर कहा कि वह टेंशन में तो रहता है, लेकिन आज दोषी करार देने के बाद अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को दबाकर नीचे की ओर झुक गया और चुपचाप बैठ गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि पेशी के बाद उसको बैरक में शिफ्ट कराया गया। बाकी जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं, हर बंदी की तरह सभी को दी जाती हैं। दिनचर्या के सवाल पर कहा कि इस समय परेशान रहता है, किताबें पढ़ता रहता है, बैरक में टहलता रहता है। जिस दिन पेशी होती है उसकी पेशी कराई जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स अलर्ट रहती है। गाजीपुर MPMLA कोर्ट ने करंडा में एक रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव की हत्या से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट आज 27 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में MPMLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्र ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सहायक अभियोजक फौजदारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि बीते साल 2009 में करंडा के सबावा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी उस समय मऊ सदर सीट से विधायक था और आपराधिक मुकदमों में गाजीपुर जेल में बंद था। आरोप है कि वहां से गैंग चला रहा था। इसी वर्ष मोहम्मदाबाद थाने के मीर हसन नामक एक शख्स ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनों मामलों को जोड़कर साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर का मुकदमा मुख्तार अंसारी और इस केस में उसके सहयोगी सोनू यादव पर किया गया था, जिसमें लगभग 14 साल बाद मुख्तार और उसके सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि गैंगस्टर के इस मामले में प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं अपनाई गई है। अब फैसले की कॉपी लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। नीचे ट्रायल कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है। लियाकत अली ने कहा कि ऊपरी अदालत में हम अपील करेंगे और हमें जरूर न्याय मिलेगा। इन दोनों मुकदमों के मूल केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। जब इस केस में मुख्तार अंसारी